हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू लिटिल गार्डन एंड आई एम गरिमा। एंड चलिए आज हम किसी थोड़े से डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है अनियंस के बारे में। तो यहाँ आपको तीन वैरायटी के अनियंस दिख रहे होंगे। ये व्हाइट अनियंस है, ये येलो या फिर गोल्डन अनियंस कहलाते हैं, क्योंकि हल्का सा आप इसमें ये गोल्डन कलर देख सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे से आप ये गोल्डन कलर देख पा रहे होंगे। तो ये गोल्डन अनियंस है एंड ये रेड अनियंस। तो आपके हिसाब से कौन सा अनियन सबसे स्वीट अनियन है? व्हाइट अनियन या फिर ये पर्पल या फिर रेड अनियन? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक देखे रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये व्हाइट अनियन से इनमें सबसे कम शुगर कंटेंट होता है और ये सबसे तीखे भी होते हैं टेस्ट में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शार्प टेस्ट होता है, जो मुंह पे एकदम लगने वाला जो टेस्ट होता है, वो होता है इन पर्पल यानी कि रेड अनियंस का। ये सबसे मतलब इनके इनको खाते ही बिल्कुल मुंह में अनियन के फ्लेवर का बर्स्ट हो जाता है। और ये अनियन सबसे चीप होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं, जिन्हें गोल्डन अनियंस या फिर येलो अनियंस कहा जाता है। सबसे पहले जिस अनियन के बारे में हम बात करते हैं, वो है व्हाइट अनियन के बारे में। इसका कलर बिल्कुल व्हाइट है। इसे देख के आपको लहसुन की याद आ रही होगी, ये इतना व्हाइट है। बिल्कुल सफ़ेद आपको इसका कलर मिलेगा। इसका टेस्ट बहुत ही माइल्ड होता है। इसमें शुगर कंटेंट कम होने के कारण इसे पकाना बहुत ही ईजी होता है और ये बहुत ही क्रंची होता है। सलाद, सैंडविचेस, बर्गर्स वगैरह में डालने के लिए ये अनियन सबसे बेस्ट होता है। आप इसे कच्चा खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा तीखापन आपको मिलेगा। इसमें प्याज का फ्लेवर सबसे कम होता है और ये कीमत के अनुसार ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, लेकिन येलो अनियंस के मुकाबले थोड़े से महंगे आपको मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं येलो या फिर गोल्डन अनियंस के। इन्हें गोल्डन कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पे हल्का सा गोल्डन चमक इसमें देख सकते हैं। हल्का सा इसमें येलो कलर भी मिलेगा, थोड़ा पिंकिश कलर होता है। तो ये अनियन बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, आपको आराम से आपके आसपास मिल जाएंगे। तो सबसे चीपेस्ट वैरायटी में आपको ये अनियन मिलेंगे और आप इसे दुकानों में इजीली खरीद सकते हैं। अभी यहाँ कीमतें लगभग 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से है, 30 तक आपको मैक्सिमम मिल जाएगी इस अनियन की कीमत। आप इसे ग्रिल, सॉटे या फिर सलाद में यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट सलाद के लिए व्हाइट अनियंस होते हैं, बट इनका भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हम जिस अनियन के बारे में बात करते हैं, वो है डार्क कलर अनियन यानी कि ये रेड अनियन। इनका चमकदार पर्पल कलर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आप इजीली फ़र्क पहचान सकते हैं इस अनियन और इस अनियन में। सबसे पुराने अनियन होते हैं, इनके छिलके काफ़ी टाइट होते हैं उन दो अनियंस के मुकाबले, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन्हें पकाना मुश्किल होता है। अगर आपको जल्दी पकाना है किसी चीज़ को तो वाइट अनियन बेस्ट है, और अगर आपको फ्लेवर रिच चाहिए, पूरा अनियन का टेस्ट आना चाहिए जैसे कि पिज़्ज़ा में, क्योंकि हम लोग अनियन पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो उसके लिए ये अनियन बेस्ट होते हैं। ओवन में जाने के लिए ये अनियन बेस्ट होते हैं, लेकिन इन्हें पकाने में बहुत टाइम लगता है। इनका टेस्ट बहुत ही मुंह में आप कह सकते हैं कि पूरा फ्लेवर मुंह में ब्लास्ट हो जाता है अगर आप ये वाला अनियन खाते हैं। इनमें तीखापन भी काफ़ी होता है और काटने पर सबसे ज़्यादा आंसू भी इसी अनियन के कारण आते हैं। अगर आप इस अनियन को काटेंगे तो अगर आप ये अनियन खरीदेंगे तो फ्लेवर के लिए ये अनियन बेस्ट है। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कुछ और अनियन के टाइप्स, जैसे कि ये और ये अनियन। बेकार है ये अनियन, सेम ही है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये और ये बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा कलर का फ़र्क है। थोड़ा हल्का फुल्का फ्लेवर का फ़र्क हो सकता है, ऑब्वियसली दो अलग चीज़ें हैं तो दोनों में फ्लेवर का फ़र्क होगा, बट दोनों में बेकार है। वाइट या ग्रीन अनियन की बात करते, इसमें हल्का सा ग्रीन कलर दिखेगा। व्हाइट अनियन से इनका थोड़ा सा फ्लेवर रिच होता है, पर इनमें भी ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सबसे महंगे अनियन आते हैं ये अनियन। जब नॉर्मली वो 30 रुपए में बिक रहे होंगे, तो ये 100 से 120 के बीच आपको छोटी छोटे पॉलीथिन्स में भरे हुए मॉल्स में फैंसी अनियंस के तौर पे मिलेंगे। पर इनका जो टेस्ट है, कोई फ़र्क नहीं होता है उनमें ज़्यादा। बस इसका डिज़ाइन ऐसे अजीब सा होता है, मुझे तो इसका डिज़ाइन भी खास पसंद नहीं है, इसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। पर ये आपको महंगे मिलेंगे। अगर आपको पता चलता है कि ये वाला अनियन क्यों महंगा मिलता है, तो मुझे भी बताएं कि ये क्यों महंगा मिलता है। मुझे आज तक क्योंकि ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इस अनियन में कोई खास बात है नहीं। आप बस इसका शेप देख सकते हैं, आप ये देखिए, बस इसका शेप इस तरीके का होता है और इस बात पे ये इतना महंगा बिकने के काबिल नहीं है। उसके बाद आपको मैं वाइट अनियन काट के दिखाती हूँ। ये वाइट अनियन है, कम्प्लीटली वाइट। ये है गोल्डन या फिर आपका येलो अनियन। उसके बाद मैं आपको रेड अनियन काट के दिखाती हूँ। यह है आपका रेड अनियन।
अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो आप इसमें देख सकते हैं, ये रेड अनियन है। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, इजीली कलर का फ़र्क इसमें नज़र आ रहा होगा। तो बस यही है आज की प्याज की कहानी। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको भी अनियंस के बारे में और ज़्यादा, ओह मैं ग्रीन लीफी अनियंस के बारे में भूल गई, उसे आप सूप में डाल सकते हैं। और अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो प्याज के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश ना करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।